उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आयोजित दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की हुई असमय मौत को लेकर झारखंड में घमासान मचा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था, इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। सीएम ने कहा कि कोरोना के टीका के कारण युवाओं की मौत हो रही है। कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है, बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोलने जिनके लोग को बीमारी था मरेगा। अभी हाल फिलहाल हमारे पूर्व सांसद 28-30 साल की बेटी बिचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी सह प्रदेश महासचिव ने क्या कहा, सुनिए। और जो डॉक्टरी रिपोर्ट सामने आया है, स्वाभाविक तौर पे उस डॉक्टरी रिपोर्ट में यह है कि उन लोगों की मौतें हृदय गति के रुकने से हुई है, और हृदय गति का रुकना यह स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि गंभीर बात है, और इसका कहीं ना कहीं कोरोना का जो टीका है वो जो जिन युवाओं ने लिया है उस पर ये इसका असर तो हुआ है। ये सिर्फ उत्पाद सिपाही मामले को लेकर के नहीं है, बल्कि अन्य मामलों को लेकर के भी यह देखा गया है कि कोरोना का टीका लेने वाले लोगों का जो स्थिति हुई है वो बिल्कुल इसी प्रकार की हुई है, क्योंकि उनकी जिनकी इम्यूनिटी कम है उस पर वो टीका जो है असर कर गया है और असर किया है, और यही कारण है कि युवा जो है दौड़ने के बाद हृदय गति उनका रुक गया, लेकिन स्वाभाविक तौर पर ये दुखद हाल। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा कि किसी मुद्दे पर जानकारी न हो या ज्यादा समझ न हो तो न बोला जाए, तो ही अच्छा होता है। देखिए, जिस विषय पर समझ न हो या पर्याप्त जानकारी न हो तो उस पर चुप रहना ही श्रेयस्कर होता है। लेकिन मुख्यमंत्री का यह बयान कि जो अभ्यर्थी दौड़ में शामिल थे उनकी मौत की वजह कोरोना वैक्सीन है, लोगों ने देखा है कि जिस दौरान कोरोना का प्रभाव चल रहा था पूरे देश में, इस वैक्सीन की वजह से करोड़ों लोगों की जान बची। लेकिन अब ये हास्यास्पद बयान देकर मुख्यमंत्री ने स्वयं को कटघरे में शामिल कर दिया है कि एक मुख्यमंत्री राज्य का इस तरह के बयान कैसे दे सकता है, तो कहीं ना कहीं मन में जो खुन्नस है केंद्र सरकार के प्रति, जो एक नाराजगी का भाव, या कहें कि हम वो नहीं कर पाए जो केंद्र सरकार ने कर दिया, तो ये दिखाने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाना, मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को तो कम करता ही है लेकिन उनके व्यक्तित्व को भी हास्यास्पद बनाता है। खैर, हेमंत सोरेन के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब विपक्ष की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से TV9 के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट।